एक वक्त पर सरकार की पोल खोलने का दावा करने वाले राकेश टिकैत की पोल आज खुद ही खुलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। राकेश टिकैत एक वक्त पर सरकार की पोल खोलने का दावा करते थे, लेकिन अब उन्हीं की कारनामों की पोल खुलती नजर आ रही है। जो राकेश टिकैत कभी ये कहा करते थे कि सरकार के काले कारनामों की जांच कराई जानी चाहिए, आज वो खुद ही जांच के दायरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, राकेश टिकैत और उनके बड़े भाई पर ये आरोप लगे हैं कि राकेश टिकैत और उनके बड़े भाई ने, जो कि किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता थे या कह लिया जाए, उन पर ये आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन को हड़पा है। और आखिरकार उन्होंने किस तरह से ये बात हुई है, वो चले वो भी आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव की बात है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तालाब के लिए एक जमीन आवंटित की गई थी और उस जमीन को में उन्होंने हड़प लिया, और किस तरह से हड़पा वो भी आपको बताते हैं। राहुल मुखिया नाम के शख्स ने उन पर ये आरोप लगाया है और इसमें ये कहा गया है कि राकेश टिकैत ने जो तालाब के लिए जमीन आवंटित की गई थी उसको मिट्टी से भरवा दिया और उसको हड़प लिया। तो राकेश टिकैत पर अब जिस तरह से जमीन हड़पने के मामले में आरोप लगे हैं और इसके लिए उनके लिए खिलाफ जांच भी बिठाई जा रही है, और राकेश टिकैत को सीधे तौर पर अब जांच का सामना करना पड़ेगा। जांच का सामना करने के साथ साथ राकेश टिकैत पर अलग अलग एंगल से भी जांच की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी, उनका क्या बिजनेस है उसकी जांच की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सरकार से पंगा लेकर राकेश टिकैत फंसते हुए तो नजर आ रहे हैं। पहले राकेश टिकैत सरकार की नजरों में नहीं आए थे, जब भारतीय किसान यूनियन में उनकी अच्छी खासी पैंट थी, लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ है सरकार भी कोशिशों में लग गई कि किसी ना किसी तरीके से राकेश टिकैत की कमजोर नब्ज को टटोला जाए, उसको पकड़ा जाए, और शायद अब वो सरकार के हाथ में आ चुकी है। हमने देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार दोबारा लौट कर आई, उसके बाद से राकेश टिकैत के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले, योगी सरकार को वोट ना देने की बात करने वाले राकेश टिकैत को बड़ा झटका तब लगा जब उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बन गई और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसा देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत के चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां और उन पर योगी सरकार का चल रहा एक्शन कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में राकेश टिकैत की मुश्किलों को बढ़ाता नजर आने वाला है, और आगे का वक्त राकेश टिकैत के लिए बेहद मुश्किल भी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।